जैसे कि इस फोटो में देख रहे हो तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ना आपके सोफा में कुशंस रखे होते हैं, आपके बेड के ऊपर पिलोज रखे होते हैं। तो आज की वीडियो ना इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप पिलोज और जब कुशंस को प्लेस करते हैं तो आपको कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके इंटीरियर्स में वो जो चांद पे चांद लगा सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जब भी डेकोरेटिव पिलोज को प्लेस करने के बारे में तो डिजाइनर ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है उसको प्लेस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मल्टीपल कुशंस या फिर मल्टीपल पिलोज जो है वो रखे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में भी जो है ये पिलोज और कुशंस जो है वो रखे हुए होते हैं। कई जगह पे ये जो पिलोज है इसकी मिरर सिमेट्री बनी हुई होती है, कहीं पर ये परफेक्टली पफ्ड तरीके से जो है वो रखे हुए होते हैं, कई जगह एक्सक्लूसिव फैब्रिक्स का यूज इसके लिए किया जाता है, कई जगह डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो कुशंस में यूज करते हैं, कई जगह ऑड नंबर रूल यूज किया जाता है। बेसिकली आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो शेप्स है वो हम जो है सोफा के जो आपके कुशंस होते हैं फिर बेड के जो पिलोज होते हैं वहां पर हम प्लेस करते हैं। अब जैसे कि स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ना, आप देखिए इसमें आपके जो कुशंस या फिर जो पिलोज हैं उसमें देखिए मिरर सिमेट्री का यूज कर रखा है। मतलब आपके जो सोफा के ऊपर जो पिलोज हैं या फिर जो कुशंस हैं या फिर जो बेड के ऊपर पिलोज हैं उसकी सेम मिरर जो है आपकी एक सिमेट्री बना के यूज कर रखी है। फिर सेकंड फोटो में अगर आप देखें तो ई सिमेट्रिकल या फिर जो ट्रायंगल शेप जो है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इस तरीके से भी जो है आप पिलोज को प्लेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, अब देखिए ये ऑड नंबर रूल है, यहाँ पे 2:1:2 बना करके जो है आपका बेड जो है यहाँ पर प्रॉपर जो प्लेस होता है। तो पूरे बेड के ऊपर, तो बेसिकली आप जो एज्यूम कर सकते हैं कि बेड के ऊपर जो इस तरीके से जो पिलोज ये रखे हुए हैं, तो बेसिकली आपने सोचा नहीं होगा कि आपके बेड के ऊपर आप पिलोज भी जो है कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंटीरियर में ना बहुत छोटी छोटी चीजें जो है वो काम जो है वो करती हैं, और वही छोटी छोटी चीजें जो मैं बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। और फिर दोस्तों पिलो में ना एक और चीज है जो कि बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते, देखिए एक तो ये कि आप सिंपल जो है पिलो को आप प्लेस कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा तरीका है बहुत ही बारीक चीज है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे कि इस फोटो में भी देख रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके से जो है आप इसके ऊपर जो है इस तरीके से पफिनेस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे स्क्वैच कर सकते हैं और आप उसके ऊपर फ्लफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या बैक पे फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल ना होकर के एक अनइवननेस जो है आपके पिलोज में जो है वो क्रिएट होगी, जो भी जो कि काफी अच्छे जो है वो लगते हैं। अगर आपने इंटीरियर मैगजीन्स में पिलोज को देखा होगा या फिर होटल्स में आपने देखे होंगे पिलोज किस तरीके से प्लेस करे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक जो पिलो है जो घर पे रखा हुआ है, एक जो इंटीरियर्स की मैगजीन या फिर जो होटल्स में रखे हुए, तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है वो फील वो प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही स्मूथली जो है वहां पर एक फील आता है पिलो का, क्योंकि पिलो भी जो है अपने आप में एक शेप आपको प्रोवाइड करता है और एक फील जो है वो वहां पर देता है। और आप एक अच्छे क्वालिटी के पिलो का यूज करते हैं तो ये और भी जो है बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी में ना एक टर्म है बहुत ही फेमस है, इसका नाम है पिलो कराटे, और सिंपली जैसे हम कराटे खेलते हैं तो इस तरीके से हम जो है वो कराटे करते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपका पिलो है तो उसमें आप एक कराटा जो है एक हाथ कराटे वाला हाथ जो मारेंगे क्लफीनेस जो है वो क्रिएट करेंगे, तो आपका जो पिलो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, तो वो काफी अच्छा रहेगा। और जो पिलो कराटे ने थोड़ा सा सिली सा जो आपको फील हो सकता है, लेकिन ये जो है बहुत ही कैजुअल लुक जो है एक क्रिएट करके देता है। और आपके पिलो का जो कवर है वो सिल्की या फिर ग्लॉसी फैब्रिक का है तो भी जो है कराटे टेक्निक जो है वो काफी अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम कर सकती है और एक शेडो इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकती है। अब दोस्तों ये फोटो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, अब देखिए इस इफेक्ट को आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे पहली फोटो है उसमें आपको जो है वन स्ट्राइक उसके ऊपर देनी है, जिसको कि हम बोलते हैं कि आपको टॉप के ऊपर जो है एक हल्का सा जो कराटा मारना है, मतलब एक जैसे मैंने बताया था उस तरीके से मारना है। और फिर सेकंड जो फोटो देख रहे हैं तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं डबल स्ट्राइक के थ्रू, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपके एक टॉप पर और एक मिडल के ऊपर जो है आपको एक कराटा मारना है। और फिर ये जो थर्ड आप देख रहे हैं तो इसमें तरीके का अगर आप इफेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कुशन या फिर पिलो के ऊपर ना आप एक स्ट्राइक दे सकते हैं उसके मिडल में, तो इसको हम बोलते हैं टमी स्ट्राइक। और फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि पिलोज को आप किस तरीके से लेयर्स की फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक फोटो के थ्रू समझाता हूं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो इस तरीके देखिए, सबसे पहले जो फोटो ना ये आपका जो 2 स्टैंडर्ड पिलो जो है यहां पर नॉर्मली प्लेस कर रखे हैं। फिर जो नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं इसमें आपका जो है डबल लेयर में आपके पिलोज का यूज कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं अब इसमें क्या है कि डबल पिलोज यहां पर यूज करे हुए स्टैंडिंग करके। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहां पर डबल पिलोज जो है आपका लाई कर रखा है, और इसमें जो 2 पिलोज
जो है वो आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के आगे जो है वो प्लेस कर रखे हैं। और फिर इसके साथ जो राइट हैंड साइड में आप कुशंस के जो प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये जो प्लेसमेंट आप सोफास के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पिलोस और जो कुशंस है उसमें भी जो आप कितना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्रिएटिविटी को कर सकते हैं। और ये सारी चीजें इंटीरियर्स में मैटर करती हैं, जो कि आप लोगों के लिए भी जो है जाननी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं ना कि मैगजीन्स में या फिर पिंटरेस्ट में हमने बहुत सारी फोटोज देखते हैं, या फिर हमने कहीं यूट्यूब पे देखा, हम देखा कि इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो है आपका जो आउटकम है वो आपके घर में नहीं आ सकता ऐसा आपको लगता है। तो आउटकम बिल्कुल आ सकता है, वो तब आ सकता है जब इस तरीके की छोटी छोटी चीजों पर जो आप काम करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ना वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की वीडियोस को रेगुलरली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूँ, तो वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।